मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की शर्मसार करने वाली घटना का वीडियो सामने आने के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। देश का हर व्यक्ति इस घटना की निंदा कर रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की सरकार पर खुलकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह घटना देश के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर हमेशा याद रहेगा। तो एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, एक आदिवासी महिला के को लेकर, जो बयान नहीं किया जा सकता। अस्सी दिनों के बाद जब आज लोकसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो देश के जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। मणिपुर में हुए शर्मनाक घटना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से रांची में प्रदर्शन किया गया। अल्बर्ट एका चौक में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम ने भी अल्बर्ट एका चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मणिपुर में महिला अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर में भी जिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर की अध्यक्षता में कदमा गणेश पूजा मैदान गोल चक्कर के पास दोनों का पुतला दहन किया गया। मैंने जब ये वीडियो देखा तो आप यकीन मानिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे आंख से आंसू गिर गया कि ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा अत्याचार है। मैं राष्ट्रपति महोदया, हम आपसे निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति महोदया निवेदन करते हैं, हम देश की एक जनता होने के नाते आइए आइए मिलकर हमारी बहनों की आबरू को बचाने का काम कीजिए, क्योंकि ये गुंडा, ये तानाशाह, ये मोदी सरकार, ये लूटने का काम किया है। इन्होंने पहले देश को बेचा, लोगों ने बर्दाश्त किया, अब ये हमारी बहनों की के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहनों की हया को लूट रहे हैं। मणिपुर में महिला के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा। जमशेदपुर में जेएमएम ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह का पुतला दहन किया। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार अमित शाह का भी पुतला जलाने, जो विगत दिन दो महीना से जो मणिपुर में जो लोगों का घर जलाने का काम कर किया जा रहा है, और महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, आप विगत दिन देखे होंगे महिलाओं को जिस तरह वो लोग घुमाकर उनका हत्या करने का काम किया। प्रधानमंत्री चुप है, भाजपा सरकार चुप है, जिसका नतीजा है कि आज वहाँ मणिपुर में इस तरह का चल रहा है। को हम इसका विरोध में आज हम लोग ने पुतला जलाने का काम किया है, उनका हत्या करने का काम किया है, ये बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री चुप है और आज से दो महीना से काम चल रहा है, मणिपुर में इस तरह लोगों का हत्या हो रहा है, कितने लोगों का हत्या हो गया और इसके चलते मणिपुर पूरा जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप है, अमित शाह चुप है, ये नतीजा है जिसके चलते इन लोग का कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास।
बोकारो में भी मणिपुर में दो दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले पर जेएमएम ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर घोर विरोध जताया है। बोकारो में सैकड़ों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता नया मोड़ के बिरसा मुंडा चौक पर मणिपुर के बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए पुतला फूंकते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि दो दलित महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, जो पूरे समाज में महिलाओं के सम्मान का घोर अपमान है। देखिए, राजनीतिक कोई आयाम नहीं है, ये घटना है। और घटना का जो किसी भी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो किसी पर शोषण होगा, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, वैसे कमजोर वर्गों पर अगर जो शोषण करेगा उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी का आवाज़ था कि दबे कुचले लोगों को साथ लेकर के चलना है, उनको सहयोग करना है, उनको संरक्षण देना है। जैसे भी उसी की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू किया था, और इसलिए जहां भी इस तरह की घटनाएं होगी उसका पुरजोर झारखंड मुक्ति मोर्चा। धनबाद में भी मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। साथ ही प्रधानमंत्री और मणिपुर सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई। मणिपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर महिलाओं को, लड़कियों को ढंगन निर्वस्त कर करके घुमाया जा रहा है, उसके गुप्त स्थानों से सरकारी सड़कों पर छेड़छाड़ किया जा रहा है, बदसलूकी किया जा रहा है, ये देश को शर्मसार कर देने वाला घटना है। नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर देश को सत्यानाश करने की तुली हुई है, देश को कलंकित करने वाली है। इस व्यवस्था में, इस स्थिति में नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को किसी कीमत पर पद पर बने रहने का हक नहीं है। जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है उससे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, आज पूरा देश शर्मसार है। और उसी शर्मसार स्थिति के कारण आज देश में ये स्थिति है कि सब लोग आंदोलित होकर के सड़क पर खड़े। गिरिडीह में कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश कोरिया के नेतृत्व में मणिपुर में हो रही हिंसा की घटनाओं और आदिवासी महिलाओं के साथ की गई शर्मनाक घटना का विरोध किया गया। इसे लेकर गिरिडीह के टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। मणिपुर पिछले कई महीनों से चल रहा है लगातार, और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द ही मणिपुर का मन नहीं बोलते। और आप ये देखिए कि कल का जो वीडियो है, देख के अत्यंत शर्मनाक, शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी घटना हुई होगी कि इस तरह से आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया गया, और उस वहाँ के जो भी लोग थे वो लोग किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे थे, बोलने में भी शर्मनाक है। ये घटना अत्यंत निंदनीय है, इसके मैं तो अविलंब मांग करता हूं कि इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को अविलंब पकड़कर उनको फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश जल रहा है लेकिन उस पर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम चुनावी राज्यों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस देश में अब कोई सुरक्षित नहीं रह गया, चाहे वो महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, व्यापारी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
आप बताइए, आज ये इतनी बड़ी घटना थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जो 8 मिनट का एक आलाप किए, उसमें अंतिम 1 मिनट ही मिला था इनको, बाकी 7 मिनट तो महिमा मंडन किया ने अपना